हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अन अकेडमी नीट। ये बुक, आई बिलीव नीट एस्पिरेंट की लाइफ इस बुक के बिना नहीं चल सकती। दिस इज योर एनसीईआरटी। कहा जाता है कि एनसीईआरटी के बिना नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, विच इज वेरी ट्रू। एनसीईआरटी के बिना नीट बायोलॉजी तो क्लियर नहीं हो सकती है, बट इसको पढ़ने का करेक्ट वे क्या है, किस तरीके से हम इसको मैक्सिमम अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं और मेमोराइज भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसको समझाती हूँ चाय के साथ। चाय सबने पी है, मोस्ट ऑफ यू वुड बी चाय लवर्स। ठंड में तो वैसे ही बहुत मजा आता है, हम चाय में अदरक, दालचीनी, इलायची, लौंग, ये सब डालना प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर इमेजिन करिए बेटा, आप फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने पांच स्टूडेंट्स हैं, मैं पांचों स्टूडेंट्स को सेम इंग्रेडिएंट्स दूं, पानी दूं, दूध दूं, चाय पत्ती दूं, अदरक दूं और इलायची दूं, पांचों को मैंने सेम क्वांटिटी में सब कुछ दिया, सबको बोला यार चाय बनाओ, क्या पांचों लोगों की चाय एक साथ बनेगी? क्या पांचों लोगों की चाय एक तरीके की बनेगी? बिल्कुल नहीं। हर एक की चाय का एक अलग फ्लेवर होगा, एक अलग टेस्ट होगा। सेम वे आज के टाइम पर नीट एस्पिरेंट्स टोटल 17 लाख है, सबके पास ये एक ही बुक है, लेकिन सब लोग इसमें से कुछ अलग चीज गेन करते हैं व्हेन दे रीड इट। सब लोगों के मार्क्स उतने नहीं आते जितने एक्सपेक्टेड होते हैं, जबकि पेपर सारा इसमें आता है। दैट मींस कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजी, हमारे पढ़ने में कोई ना कोई मिस्टेक है, कोई ना कोई गैप है, जिसकी वजह से हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो आज उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? देखिए बेटा, एनसीईआरटी इज लाइक चाय पत्ती फॉर चाय। जब तक यार, बिना चाय पत्ती के चाय नहीं बन सकती। चाय को अगर अच्छा बनाना है चाय पत्ती के साथ, तो हम इलायची डाल रहे हैं, दालचीनी डाल रहे हैं, अदरक डाल रहे हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा नोटबुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, नोट्स हैं, ये सब क्या हैं? वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं चाय को और अच्छा बनाने के लिए। लेकिन बिना चाय पत्ती के तो नहीं बन सकती। सो एनसीईआरटी इज डेफिनेटली मस्ट। आपके साथ, आपके पास एक अपडेटेड एनसीईआरटी होनी चाहिए, जो जिसमें सारी न्यू एडिशंस हो। पुरानी, बहुत ज्यादा पुरानी, 5-6 साल पुरानी एनसीईआरटी मत रखिए। अगर आपके पास पुरानी है तो नहीं खरीद लीजिए। दूसरी चीज, मैं दो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर बात करूंगी। कैटेगरी वन, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करके पढ़ते हैं, जो उस टीचर से नहीं पढ़ते हैं जो आपको हैंड रिटन नोट्स लिखवाता हो, दिस इज कैटेगरी वन। कैटेगरी टू इज दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट, जिसके पास एक ऐसा टीचर हो जो उनको क्लास के दौरान एक अच्छे नोट्स प्रिपेयर कराता हो, जैसे मैं कराती हूँ। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं, वी डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैंड रिटन एंड उनके पास प्रॉपर नोट्स हैं। कैटेगरी वन की अगर मैं बात करूँ, जिनके पास वो टीचर नहीं है, उन लोगों के लिए द स्ट्रैटेजी इज कि आप एनसीईआरटी जब पढ़ें तो एनसीईआरटी इज अ पैराग्राफ फॉर्म। चीजें बहुत ज्यादा कंसाइज वे में लिखी हुई हैं। कई बार चीजें हम स्किप कर देते हैं जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग जब भी एनसीईआरटी पढ़ें, अपने पास एक कॉपी, एक पेज उस चैप्टर के लिए जरूर रखें। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस एक टॉपिक को यहाँ पर पैराग्राफ में आप अपने नोट्स में उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में लिखिए, ठीक है। कैटेगरी नंबर टू के स्टूडेंट्स, जिनके पास ऑलरेडी वो नोट्स हैं जो उनके टीचर बनवाते हैं, जैसे मैं बनवाती हूँ, तो आप पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले आप टीचर की क्लास लगाइए, आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स की रीडिंग लीजिए बनाने के बाद, देन आप एनसीईआरटी पे आइए। ये मैं 100% कह सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। मेरे बच्चे भी जरूर बताएंगे मुझे कमेंट्स में कि जब वो नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो दे फील यार मुझे सब कुछ क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है। नोट्स आपको, आपके टीचर के अच्छे नोट्स आपको हेल्प करते हैं एनसीईआरटी को अच्छे से समझने में, उसको डिकोड करने में, राइट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि आपको अल्टीमेटली पैराग्राफ फॉर्म में नहीं याद रहेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद से, अगर आप कैटेगरी वन के हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी प्री रिटन नोट्स हैं आप कैटेगरी टू के, लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी उसके बाद पढ़नी है। सेकंड चीज, जब भी एनसीईआरटी पढ़े, प्लीज प्लीज डू नॉट ओवर हाईलाइट इट। ऐसा नहीं होना चाहिए एक चैप्टर, एक पैराग्राफ पिंक कलर का है, अगली 10 लाइनें येलो कलर की हैं, अगली लाइनें ग्रीन कलर की हैं। डोंट डू दिस। इतनी बुरी हालत मत बनाओ एनसीईआरटी की, नई एनसीईआरटी खरीदनी पड़े। आपके पास एक एनसीईआरटी है, साफ सुथरा रखिए। अंडरलाइन या हाईलाइट सिर्फ वो चीजें होनी चाहिए जो याद रखनी है। अब याद तो यार सब कुछ रखना है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जहां पर फिगर्स हैं, कि मान लो मेमोरी लोब्स दिए हुए हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिए हुए हैं, वो नंबर आपको हाईलाइट करना है, या फिर कहीं आपकी एब्रीवेशंस है, IUCN है, ICSI है, ICBN, ये सारे एब्रीवेशंस आप अंडरलाइन कीजिए। कहीं ईयर दिया हुआ है कि यार RCH प्रोग्राम 1951 में, तो RCH और 1951 को अंडरलाइन कर लिया। बस उतनी चीजें साफ रखो, क्योंकि एक बारी एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे अपनी पूरी जर्नी में, आप बहुत बारी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, राइट गाइस। देन थर्ड पॉइंट,
क्या एनसीईआरटी में सिर्फ मुझे टेक्स्ट पढ़ना है? नहीं बेटा, एनसीईआरटी में सिर्फ आपको टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, आपके पास डायग्राम्स है, आपके पास साइंटिस्ट का फोटो है, उसके नीचे की डिस्क्रिप्शन है, टेबल दिया हुआ है, उसके नीचे की डिस्क्रिप्शन है, टेबल के अंदर का कॉन्टेंट है, यानी कि पेज वन से लेकर वॉट एवर इज रिटर्न टिल द एंड पेज, इनफैक्ट इन द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हम स्किप कर देते हैं एनसीईआरटी में, बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं जो बोर्ड्स के लिए होते हैं, यू हैव टू रीड, चाहे आप नीट एस्पिरेंट, आप एक बार इन क्वेश्चन को जरूर देखो कि क्या आप उसके बारे में सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, कई बार एमसीक्यू उसमें से भी बन के आ सकता है। ऑल्सो द समरी ऑफ एनसीईआरटी टू बी पेड अटेंशन, आराम से आप चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसकी समरी भी जरूर पढ़ेंगे। ऑल्सो रीड एनसीईआरटी फ्रॉम एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप एनसीईआरटी को लर्न करने के लिए मत पढ़िए, आप ऐसे समझिए जैसे आपको क्वेश्चन बनाना है उसमें से, देन जैसे आपने मान लो दो तीन लाइनें पढ़ी, आप सोचिए यार क्या मैं इसका क्वेश्चन बना सकती हूँ, इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पेज नंबर 61 पे है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक लाइन है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल। यू कैन मेक अ क्वेश्चन, आपने लाइन पढ़ी, आप क्वेश्चन सोचिए कि मेरे को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दैट नेम द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड which is used by female in oral administration, तो उसमें क्या use होता है, उसमें आप options बनाएंगे, progesterone है, progesterone estrogen है, या फिर only estrogen है, इस तरीके से। तो आपको जब पढ़ना है, जब आप second third reading लेंगे, first reading में ये सब नहीं करना, first reading में तो just notes followed by NCERT और notes followed by और NCERT followed by your own notes category 1 and 2। दूसरी चीज बेटा, जब आप third fourth रीडिंग लगा रहे हैं एनसीईआरटी की, जब आपको पूरे नोट्स आपके पास हैं, आपके पास एनसीईआरटी आप दो बारी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तब उसमें से क्वेश्चन फ्रेमिंग स्टार्ट कीजिए कि अगर मैंने एक लाइन पढ़ी है तो इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बन के आ सकते हैं। जब आप एनसीईआरटी में से खुद से क्वेश्चन बनाने लगेंगे तब यू विल फील कि हाँ अब मुझे 100% अंडरस्टैंडिंग है, एंड जितनी बारी बेटा इसको पढ़ोगे हर बारी कुछ ना कुछ नया लर्न होता जाएगा। आता तुमको सब कुछ है अगर तुमने दो बारी पढ़ लिया है, लेकिन मेमोरी में कितना रह रहा है वो डिपेंड करता है हाउ मेनी रीडिंग्स यू आर गिविंग। एंड एक हैबिट बनाइए, यू नो एक बच्चों की हैबिट होती थी कि वो रोज रात को स्टोरी सुन के सोते हैं अपने पेरेंट्स से, फिर धीरे धीरे वो हैबिट चेंज होती है, फिर वो स्टोरी बुक से रोज 3-4 पेजेस पढ़ते हैं। आपकी इन 2 साल में ये हैबिट होनी चाहिए कि रात में रोज मैं या दिन में रोज मैं कम से कम 4 पेजेस तो एनसीईआरटी के पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। अगर मेरी 12th चल रही है क्लास में तो मैं 11th वाली एनसीईआरटी रिवाइज करूंगा, अगर यू नो वाइस वर्सा। तो आप रेगुलरली एक हैबिट बनाइए कि 4-5 पेजेस मुझे रोज पढ़नी पढ़ने, मेरा रिचुअल है। जब तक ये रिचुअल नहीं बनेगा तब तक एनसीईआरटी को पढ़ने की आदत नहीं आएगी। एंड डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ना जो कैटेगरी 1 वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए आई वुड प्रेफर कि आप ऐसे टीचर को सर्च करें जो आपको हैंड रिटन इतने बढ़िया नोट्स देता हो जिसमें एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो एक नीट एस्पिरेंट को 360 स्कोर करने के लिए चाहिए वो प्रेजेंट हो। सो दिस इज द वे यू रीड एनसीईआरटी। ये पैराग्राफ है, कई बार ये स्टोरी की तरह लगता है एंड चीजें स्किप हो जाती हैं। इसको बेस्ट करने का तरीका है कि या तो आप टीचर के प्रेजेंस में उनके साथ नोट्स बनाइए या फिर थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाकर हर टॉपिक में से उसको फ्लो चार्ट टेबल्स इस फॉर्म में लिखिए। तो एनसीईआरटी के बिना नीट क्रैक नहीं हो सकता, बट सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करने से भी आप डिजायर्ड रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। आई होप ये वीडियो हेल्प किया होगा। एंड जो बच्चे इस तरीके को, ये मैंने पहले भी बहुत बारी अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, अगर आपको फायदा होता है प्लीज गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ही ऐसा लग रहा है कि नोट्स फॉलोड बाय एनसीईआरटी होना चाहिए एंड आपका व्यू पॉइंट कुछ अलग है। डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताइए, आई वुड बी हैप्पी टू सी दैट। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो। थैंक यू सो मच।